एक आजादी के आंदोलन की पिठिका किसने तैयार की? 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, 1857 का स्वतंत्र संग्राम, उन सारे घटनाक्रम की ओर आप देखेंगे तो वो कालखंड था इस देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरे देश में एक भक्ति मार्ग का आंदोलन चला। संतों महंतों ने पूरी ताकत के साथ एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया था। कहीं चैतन्य महाप्रभु होंगे तो कहीं बसवेश्वर जी होंगे तो कहीं नरसिंह मेहता होंगे तो कहीं स्वामी विवेकानंद होंगे तो कहीं सहजानंद स्वामी होंगे तो कहीं महर्षि दयानंद जी होंगे। पूरे देश में एक ही समय के कालखंड के ये महापुरुष थे और इन महापुरुषों ने हिम्मत के साथ आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भारत माता की सेवा करने का, सबको प्रेरणा देने का एक भगीरथ काम किया। ये बहुत बड़ा काम उस समय हुआ 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, और जिसने देश की आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी, एक नई पीठिका दी थी। और उसी के कारण तो भाई परमानंद हो, स्वामी सद्धानंद जी हो, ऐसे अनेक महर्षि जी के शिष्य जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलि चढ़ा